हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में डैनियल सेल पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं, यानी कि प्राथमिक बैटरियां क्या होती हैं और द्वितीयक बैटरियां क्या होती हैं। बैटरियां दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक बैटरीज और द्वितीयक बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डैनियल सेल क्या होता है। डैनियल सेल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, यानी विद्युत रासायनिक सेल जो होता है, उसी के जैसा होता है, गैल्वेनिक सेल जैसा ही होता है। यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रोड कॉपर का होता है और एक इलेक्ट्रोड जिंक का होता है। लेकिन हमने गैल्वेनिक सेल में ये पढ़ा था कि ये कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो अलग पात्र में और रखा हुआ होता है, और जिंक का इलेक्ट्रोड जो होता है वो अलग पात्र में रखा हुआ होता है। लेकिन डैनियल सेल जो है वो इसके विपरीत, एक ही पात्र में दोनों ही इलेक्ट्रोड उपस्थित होते हैं। तो वो किस तरह से होता है उसको हम देखते हैं। इसमें एक जिंक धातु की छड़ होती है, इसे एक छिद्रित प्लेट के अंदर रखा जाता है और इसमें अंदर भरा जाता है अम्लीय विलयन। अम्लीय विलयन यहाँ पर H2SO4 का होता है, यहाँ पर होता है H2SO4 का विलयन, जिसमें हमें H+ और SO4 2- दो आयन मिलते हैं। इसमें होता है H+ आयन और SO4 2- आयन उपस्थित होते हैं। बाहर की तरफ एक कॉपर का पात्र होता है, ये है कॉपर पात्र, ये है कॉपर पात्र, और ये है जिंक धातु की छड़, जिंक छड़। ये है छिद्रित प्लेट, छिद्रित प्लेट, और इसमें भरा होता है, कॉपर पात्र में भरा होता है CuSO4 सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन। और ये जो CuSO4 सॉल्यूशन होता है ये सांद्रित होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड है इसका मतलब इसमें कुछ मात्रा में जो कॉपर धातु होती है वो नीचे की तरफ जमा हुई भी होती है इस तरह से। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें जो जिंक रॉड होती हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर SO4 2- के साथ में जुड़ जाती हैं। यानी क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका होता है ऑक्सीकरण। इसका मतलब ऑक्सीकरण किसका होगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण यहाँ पर होगा जिंक धातु का, यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण होगा, और ये ऑक्सीकरण होकर के इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये बना देता है Zn2+। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इस छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, यानी कि ये छड़ जो है वो ऋणात्मक आवेश आ जाता है, इस छड़ पर ये ऋणात्मक आवेश आ जाता है। और जो ये कॉपर का पात्र है, यहाँ पर ये जो कॉपर का पात्र है, यहाँ पर CuSO4 सॉल्यूशन में से Cu2+, CuSO4 में दो है, एक है Cu2+ और एक है SO4 2-। इनमें से Cu2+ जो है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो इसने दो इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को ये ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर तो जिंक धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, और यहाँ पर Cu2+ जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये बना देता है कॉपर धातु। ये कॉपर धातु जो है इस पात्र के साइड साइड में यहाँ पर जमा होती रहती है। ये जो स्वरूप होता है, ये स्वरूप होता है डैनियल सेल का। कई बुक्स में डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल को एक ही बोला गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गैल्वेनिक सेल जो है वो बिल्कुल अलग अलग पात्र में होता है, लेकिन डैनियल सेल जो है एक पात्र में है, और इसको छिद्रित प्लेट से, जिंक धातु से अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा है इसमें दो तरह के पात्र हैं, एक है छिद्रित प्लेट वाला पात्र जिसमें जिंक छड़ को डुबोया गया है। इस छिद्रित प्लेट वाले पात्र में H2SO4 सॉल्यूशन भरा गया है, H2SO4 का सॉल्यूशन भरा गया है। और जो बाहर वाला पात्र है, कॉपर वाला पात्र, इसमें CuSO4 सॉल्यूशन भरा गया है जो कि सांद्रित है। अब यहाँ पर कौन सा एनोड का कार्य करेगा और कौन सा कैथोड का कार्य, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वो होता है एनोड। तो ऑक्सीडेशन होता है जिंक धातु का, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एनोड। यहाँ से इसे यदि एक तार से जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर
यहाँ पर वोल्टमीटर लगा दिया जाता है। चूंकि ये एक विद्युत रासायनिक सेल है, इसका मतलब विद्युत रासायनिक सेल का मतलब जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत धारा का निर्माण होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ गमन करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है इस क्षण पर, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ गमन करती है। ये वाला जो पात्र है, ये पात्र हो जाएगा पॉजिटिव धनात्मक, और ये हो जाएगा कैथोड। कैथोड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर 2+ सॉल्यूशन में उपस्थित है, इन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेता है और ये बना देता है कॉपर धातु, और कॉपर धातु जो है वो इस पर डिपॉजिट होती जाती है। यानी कि इसमें दो अभिक्रियाएं हो रही हैं, एक अर्ध अभिक्रिया हो रही है एनोड पर, एनोड पर अभिक्रिया हो रही है, एनोड पर अभिक्रिया हो रही है, जिंक धातु जो है वो दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये बना देगा जिंक 2+। और कैथोड पर अभिक्रिया हो रही है, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर रिएक्शन हो रही है Cu2+ जो है वो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा और ये बना देगा कॉपर धातु सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पर ये सॉलिड था, ये एक्वस फॉर्म में से निकलता है और ये भी एक्वस में जाकर मिल जाता है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो Zn2+ निकल रहा है, यहाँ से जो Zn2+ निकल रहा है इस SO4 2- से रिएक्शन कर लेता है। जब ये दोनों रिएक्शन कर लेते हैं तो ये ZnSO4 बना देगा। तो यहाँ पर इस पात्र में इसके अंदर की तरफ SO4 2- सल्फेट आयन की कमी हो जाएगी। जब सल्फेट आयन की कमी हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, Cu2+ जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में चेंज हो रहा है, यहाँ पर SO4 2- की अधिकता हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो SO4 2- इस वाले में है, इस विलयन में है, वो इसके अंदर जाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर Zn2+ के साथ जुड़ने के लिए SO4 2- कम पड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये SO4 2- जो है इसके अंदर जाते जाएंगे छिद्रित प्लेट से। और जो और अगर आगे भी कॉपर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जैसे कॉपर आयन जो है वो कॉपर धातु में चेंज होती जाएगी, यहाँ पर डिपॉजिट होती जाएगी, चूँकि मैंने बोला ये सांद्रित विलयन है, तो इसमें कुछ कण जो है, सांद्रित विलयन का मतलब होता है उसको घोलने के बाद भी कुछ कण नीचे इसके रह जाते हैं, ये इतना सांद्रित विलयन है। तो ये जो कण है ये कॉपर सल्फेट के रूप में यहाँ पर मिलते जाएंगे, अगर कॉपर धातु की यहाँ पर कमी होती जाएगी, तो ये जो है यहाँ से कॉपर सल्फेट के रूप में यहाँ पर बनते जाएंगे और फिर से कॉपर धातु जो है उसमें से कॉपर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और फिर से यहाँ पर जमा होते जाएंगे और सल्फेट आयन जो है वो Zn2+ से जुड़ते जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर संपूर्ण अभिक्रिया क्या हो रही है, यहाँ पर संपूर्ण अभिक्रिया हो रही है, इसको हम सेल रिएक्शन बोलते हैं। सेल रिएक्शन यहाँ की क्या होगी, सेल अभिक्रिया यहाँ पर होगी, उसी की तरह जैसे हमने गैल्वेनिक सेल में देखा था। गैल्वेनिक सेल में हमने रिएक्शन क्या देखी थी, हमने रिएक्शन देखी थी Zn+ CuSO4 gives ZnSO4+ copper। यहाँ पर जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म है, यहाँ पर कॉपर सॉलिड फॉर्म है, ये है एक्वस और ये है एक्वस। यदि हम सेल के रूप में इसको लिखें तो यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे Zn एक सीधी लाइन, Zn2+ डबल लाइन, ये डबल लाइन जो है वो लवण सेतु को दर्शाती है, उसके बाद में यहाँ पर आएगा Cu2+ सिंगल लाइन Cu। इसका मतलब ये है कि ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दोनों लवण सेतु से यहाँ पर जुड़े रहे हैं। अब लवण सेतु इसमें कौन सा है, लवण सेतु है इसमें ये वाली छिद्रित प्लेट। ये जो छिद्रित प्लेट है, जिस तरह से गैल्वेनिक सेल में हम लवण सेतु यूट्यूब के रूप में लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पर ये छिद्रित प्लेट लवण सेतु का काम करती है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि डैनियल सेल जो है वो गैल्वेनिक सेल से कुछ भिन्नता रखता है,
अब हम देखते हैं कि बैटरीज कितने प्रकार की होती हैं। बैटरीज दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक बैटरियाँ, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल जो होते हैं वो रीयूजेबल नहीं होते हैं, यानी कि इनको फिर से चार्ज करके हम यूज़ नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो द्वितीयक बैटरियाँ होती हैं उनको हम फिर से चार्ज करके यूज़ में ले सकते हैं। या तो मैंने क्या बताया, बैटरीज जो हैं बैटरियाँ दो तरह की होती हैं, एक होती है प्राथमिक बैटरी, प्राथमिक सेल, और दूसरी होती है द्वितीयक सेल, द्वितीयक बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक बैटरी जो होती है उन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता, जैसे कि हम जो दीवार घड़ियां होती हैं उनमें जो सेल उपयोग लेते हैं उन्हें फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता। उनको एक बार यूज़ में लेते हैं और फिर वो ख़राब हो जाती हैं, उनमें रिएक्शंस पूरी हो जाती हैं जिसके कारण वो सेल पूरा हो जाता है। द्वितीयक बैटरी जो होती हैं, सेकेंडरी बैटरीज जो होती हैं, उनको वो रीयूजेबल होती हैं, यानी कि उसको फिर से चार्ज करके हम यूज़ में ले सकते हैं। इनकी अवधि जो है वो कम होती है, 2 से 3 महीने की या 6 महीने तक की अवधि होती है, लेकिन इनकी अवधि जो है वो 3 महीने से लेकर 2 साल तक हो सकती है। जो प्राथमिक बैटरी होती हैं वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाते हैं, यानी कि एक बार रिएक्शन पूरी हो गई उसके बाद में ये फिर से उसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन द्वितीयक बैटरी जो होती हैं उनको फिर से चार्ज किया जा सकता है और फिर से यूज़ में लिया जा सकता है। प्राथमिक बैटरी के एग्जाम्पल आते हैं शुष्क सेल तथा मर्करी सेल, ये दोनों इसके एग्जाम्पल होते हैं। हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। द्वितीयक बैटरी जो होती हैं इनमें एग्जाम्पल होते हैं लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन सेल या लिथियम आयन बैटरी जिसको हम बोलते हैं वो, और दूसरा इसका एग्जाम्पल होता है लेड संचायक सेल। लेड संचायक सेल जो होती हैं वो कार में यूज़ में आती हैं, कार में जो बैटरीज यूज़ में आती हैं वो लेड संचायक सेल होती हैं, और इसकी जो एज होती है यानी कि ये कितने साल तक चलती है, 2 से 3 साल तक चल सकती है, 3 महीने से लेकर 2 से 3 साल तक ये चल सकती हैं। और जो लिथियम आयन बैटरी है वो हमारे फ़ोन में यूज़ में ली जाती हैं और ये भी 2 से 3 साल तक चल सकती हैं या फिर इससे ज़्यादा भी चल सकती हैं। लिथियम आयन बैटरी और लेड संचायक सेल जो होते हैं इनको फिर से यूज़ में लिया जा सकता है, यानी कि अगर ये बैटरी पूरी हो जाती है तो उसके फिर से चार्ज किया जा सकता है और यूज़ में लिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुष्क सेल क्या होता है। शुष्क सेल जो होती है वो हम यूज़ में लेते हैं टॉर्च में, घड़ियों में, इनमें यूज़ में लिया जाता है। पहले शुष्क सेल बहुत बड़े आकार के आते थे, काफ़ी बड़े आकार के आते थे, लेकिन अब इनको पेंसिल सेल भी कहा जाता है और पेंसिल की शेप में, मतलब पतले रूप में आते हैं और छोटे आते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे घरों में यूज़ में आने वाले, हमारे घड़ियों में, टॉर्च में यूज़ आने वाले जो शुष्क सेल होता है उसकी संरचना कैसी होती है और ये कैसे कार्य करता है। शुष्क सेल जो होता है उसे लैक्लांसे सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आविष्कार जो है वो लैक्लांसे ने किया था। शुष्क सेल में एक ग्रेफाइट की छड़ होती है। इसका डायग्राम मैं यहाँ पर समझा देती हूँ कि इसमें होता क्या है। अगर आपने कभी शुष्क सेल जो है वो पेंसिल सेल जो है उसको देखा होगा तो उसके एक हमें कैप जैसी नज़र आती है और इस तरह से इसकी संरचना होती है। यहाँ पर एक गोल कैप दिखाई देती है छोटी सी, और यहाँ पर इसके ऊपर एक सीलिंग दिखाई देती है, इसको पैकिंग दिखाई देती है, और इसमें एक जिंक का पात्र होता है। इस तरह से एक जिंक का पात्र होता है, ये है जिंक धातु, जिंक पात्र। इसमें एक छिद्रित पेपर लगा हुआ आता है बीच में, ये एक छिद्रित पेपर हो गया, छिद्रित पेपर। इस पेपर में से कोई भी विलयन आर पार जा सकता है, ये है छिद्रित पेपर, और ये है ग्रेफाइट की छड़ की छड़, ग्रेफाइट की छड़।
अब ये जो छिद्रित पेपर है इसके अंदर भरा हुआ रहता है MnO2 प्लस कार्बन, यानी कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का जो चूरा होता है वो, प्लस कार्बन प्लस H2, इनका पेस्ट भरा हुआ रहता है, इनका पेस्ट भरा हुआ रहता है। क्या क्या? MnO2, कार्बन और H2O, जल का पेस्ट, पेस्ट बनाकर यहाँ पर भरा हुआ रहता है। और यहाँ पर भरा हुआ रहता है ZnCl2 प्लस NH4Cl का पेस्ट भरा हुआ रहता है, इन दोनों का पेस्ट भरा रहता है। ये यहाँ पर है जिंक पात्र। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पर जो ये जिंक पात्र है, ये जिंक पात्र अपने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये इनमें से Zn जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन त्यागता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, Zn2+ में। तो यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इस पात्र पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। जब इसको, ये यहाँ पर एक पॉइंट होता है, यहाँ से लेकर के इस तरह से जोड़ दिया जाता है, हमने यहाँ पर कोई बल्ब जोड़ दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ गमन करेंगे। यहाँ पर एनोड का कार्य करेगा जिंक पात्र, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, तो जिंक पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये एनोड का कार्य करेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। और ये जो है इनका इलेक्ट्रॉनों का गमन इस तरह से होता है और इस तरफ जाता है। यहाँ पर है ग्रेफाइट की छड़, यहाँ पर जो ग्रेफाइट की छड़ है वो कैथोड का कार्य करेगी और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा। अब इसमें ये जो आप देख रहे हैं ZnCl2 और NH4Cl, ये दो तरह के आयन्स के रूप में बट जाते हैं। यहाँ पर Zn2+ आयन रहता है और साथ ही साथ Cl- आयन रहता है। इसको, इन दोनों को यदि हम देखें तो NH4+ आयन रहेगा और Cl आयन रहेंगे, Cl- आयन रहेंगे, दो तरह के आयन हैं। यहाँ पर जो NH4+ है, ये जो Zn धातु जो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं उनको ग्रहण कर लेता है। तो एनोड पर तो क्या रिएक्शन होती है उसको पहले हम देख लेते हैं। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और यहाँ पर एनोड का कार्य कौन करेगा, जिंक धातु। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब Zn जो है, जिंक धातु जो है, दो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और ये बना देते हैं Zn2+। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये ग्रहण कर लेता है यहाँ पर NH4+ ये है, ये कैथोड पर रिएक्शन होती है। कैथोड पर क्या क्या रिएक्शन होगी, NH4+ जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और बना देता है NH3+H2 हाइड्रोजन। यहाँ पर ये जो है ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2, 6 और 2 8। तो इस तरह से ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके NH3 और H2 दो तरह की गैस बनाएगा। अब ये दोनों तरह की गैस जो है वो किस किस से जाकर जुड़ेगी, यहाँ पर ये दोनों तरह की गैस, हाइड्रोजन गैस जो है वो तो जाकर जुड़ेगी MnO2 के साथ में, यानी कि MnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। जब ये हाइड्रोजन गैस इस पर जमा होने लग जाती है तो उससे क्या हो सकता है, उससे रिएक्शन रुक सकती है और बैटरी ख़राब हो सकती है। लेकिन उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये पेस्ट डाला जाता है ताकि ये जो हाइड्रोजन गैस है ये MnO2 के साथ में रिएक्शन कर सके और क्या बना सके, इससे बनेगा Mn2O3 प्लस H2O। तो यहाँ पर हो जाएगा 2MnO2, तो ये रिएक्शन संतुलित हो चुकी है। अब इसमें जो NH3 जो है, यहाँ पर H2 हाइड्रोजन गैस को तो अभिक्रिया कर लेता है MnO2 और बना लेता है Mn2O3, लेकिन NH3 गैस बच जाती है। NH3 गैस जो है इस ZnCl2 के साथ में रिएक्शन कर लेती है। ये जो ZnCl2 है इसके साथ में NH3 रिएक्शन कर लेता है और बनाता है, यहाँ पर बनेगा Zn NH3 होल फ्लोर, एक संकुल बन जाएगा, इस तरह का एक संकुल बन जाएगा, यहाँ पर ये
4NS3। NS3 जो है वो ZnCl2 के साथ में जिंक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करके एक संकुल बना देगा और ये गैस के फॉर्म में नहीं रहेगा, जिससे क्या है ये रिएक्शन चलती रहेगी और जब तक ये रिएक्शन चलती है तब तक ये बैटरी काम करती है। और कुछ टाइम के पश्चात जब इसमें जिंक धातु जो है वो पूरी तरह से यूज़ में आ जाती है तो यहाँ पर MnO2 भी पूरी तरह से यूज़ में आ जाता है और ZnCl2 भी पूरी तरह से यूज़ में आ जाता है, तो वो रिएक्शन रुक जाती है और बैटरी ख़त्म हो जाती है, इसको फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, यहाँ पर हमने ये देखा कि इसमें इस सेल में एक ग्रेफाइट की छड़ होती है, इसके बाहर की तरफ एक छिद्रित पेपर होता है और उसके बाहर होता है एक जिंक धातु की ये बॉक्स टाइप, एक जिंक धातु बाहर की तरफ जिंक का पात्र होता है, इस जिंक के पात्र पर एक पेपर भी लगा हुआ होता है, इस तरह से एक पेपर प्लास्टिक पेपर जो है वो लगा हुआ रहता है ताकि जिंक धातु का क्षंक्षारण नहीं हो, यानी कि जिंक धातु पर जंग ना लगे। और यहाँ पर सीलिंग होती है, ये भी इसीलिए होती है ताकि यहाँ पर जिंक धातु का क्षंक्षारण ना हो, यहाँ पर भी सीलिंग होती है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट इसका छोड़ दिया जाता है ताकि यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन पास हो सके। यहाँ पर जो जिंक धातु जो होती है जो दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ बना देती है और ये अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसके कारण ये एनोड कहलाता है। और यहाँ पर जो Zn2+ आता है, Zn2+ जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो NH4+, ये जो NH4+ है, ये जो NH4+ है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दो तरह की गैस बनाती है, एक बनाती है NH3 अमोनिया गैस और एक बनाती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस और अमोनिया गैस इन रिएक्शन को रोकने के लिए इन रिएक्शन को रोकती है, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पर दो पेस्ट है, एक है MnO2 प्लस कार्बन प्लस H2O का पेस्ट और एक है ZnCl2 और NH4Cl का पेस्ट। यहाँ पर MnO2 जो है वो इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करके Mn2O3 और H2O बनाता है और ZnCl2 अमोनिया से रिएक्शन करके एक संकुल बनाता है। इस तरह से रिएक्शन चलती रहती है और एक टाइम के पश्चात ये रिएक्शन ख़त्म हो जाती है और बैटरी यूज़ की नहीं रहती है। इस प्रकार की बैटरी जो होती है इनके ऊपर वोल्ट इनका विभव लिखा होता है, इनका विभव होता है 1.5 वोल्ट या पोटेंशियल इसका लिखा हुआ होता है। इस प्रकार की बैटरी जो है इनकी आयु अधिक नहीं होती है और इसको चार्ज नहीं किया जा सकता है, एक बार यूज़ लेके ये डिस्पोज हो जाती है, यानी कि इसको हम फिर से यूज़ में नहीं ले सकते हैं। ये इस प्रकार की जो बैटरी होती हैं इनकी आयु अधिक नहीं होती है और साथ ही साथ इसको अगर यूज़ भी ना किया जाए तो भी इसकी जो जिंक धातु है उसमें जंग लग जाता है और ये बैटरी ख़राब हो सकती है, यानी कि इसको ज़्यादा देर तक हम खुला भी नहीं छोड़ सकते हैं। यानी कि जैसे इसकी पैकिंग आती है, इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि इसको इतने साल तक ही पैकिंग में रखा जा सकता है, उसके बाद में ये ख़राब हो जाती है। अगर आपने मेरे साथ साथ नोट्स नहीं बनाए हैं तो वीडियो के एंड में मेरे नोट्स होंगे, उनको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में सेव रख सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।